कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी दौरे तेज कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं इसके साथ ही अडानी विवाद और राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद ये पहला चुनाव है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी। कांग्रेस अब तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपनी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, जहां बैठक में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए। वहीं अब जल्द ही बीजेपी भी अपनी पहली लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ताबड़तोड़ दौरों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं से लेकर उत्तर प्रदेश में जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका खुद निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर रहते हैं। आज की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर और देवरिया का दौरा है, जहां पर कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके अलावा अगर हम शाम 5 बजे के कार्यक्रम की बात करें तो गोरखपुर और देवरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक करेंगे। बैठक के माध्यम से सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही जनता के हित के लिए, उनकी भी जो धरातल पर क्या स्थितियां हैं उसको परखने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। सहजना में आज जो है स्टेडियम का लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। साथ ही साथ स्वर्गीय मर्यादी देवी PSC केंद्र का उद्घाटन समारोह था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया है। उसके अलावा बाटलिंग जो सेंटर है उसका भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ का लगातार प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको समय पर पूरा किया जाए। जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं उनको भी समय पर पूरा किया जाए, ताकि जनता को बड़ी सौगात देने का काम किया जा सके। तो आज कई करोड़ रुपए से बनाई गई जो योजनाएं हैं उनका जो है लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। ललितपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ललितपुर के पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके पश्चात उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज कानपुर पहुंचे, जहां मतदाता सम्मेलन में उन्होंने आए हुए संभ्रांत लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2014 में उत्तर प्रदेश में गुंडों को पालने का काम करती थी, मगर जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से बदमाशों और अपराधियों का यहां से पूरी तरीके से उजाड़ने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार आई उसके बाद से ही राम मंदिर का कार्य जोरों शोरों से हुआ और अब राम मंदिर भी बनकर तैयार है। ऐसे में साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कश्मीर को कांग्रेस ने आतंकवादियों का अड्डा बना दिया था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कश्मीर से आतंकवादियों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आए हुए लोगों से उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को भी लेकर तैयार रहने की बात की है और ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वह संबोधित करते हुए नजर आए। उत्तर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे कर्मचारी हो या पुरानी पेंशन बहाली हो या बेरोजगारी के मुद्दे हो, इन मुद्दों पर सरकार को सजग रहना चाहिए और सरकार को उनका साथ देना चाहिए। यानी कि ऐसे मुद्दों को उठा करके एक बार फिर से भाजपा पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसके साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली कई राज्यों में की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्यों नहीं की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सवाल के घेरे में खड़ा किया है। यानी कि ये साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है और इसके साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए किस तरीके से न्याय की तस्वीर सामने आ रही है। ऐसी ही कई चीजों को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। लगातार ऑफिसर्स दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि अब तक आई शिकायतों का निस्तारण किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो अंतिम आरक्षण की सूची है उसको जारी किया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के ऑफिसर्स छुट्टी के दिन भी दफ्तर में मौजूद रहे, देर रात तक जो अब तक शिकायतें आई हैं उनका निस्तारण चलता रहा।
वहीं पंचायत स्तर पर जिलाधिकारी लगातार निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण कर अंतिम सूची जारी की जाए और यह अंतिम सूची उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को दी जाए ताकि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसको लेकर शासन स्तर पर मंथन लगातार जारी है। अब देखना यह है कि जब मामला कोर्ट में भी है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर शिकायतें भी हैं, उसके बाद किस तरीके से अफसर इन शिकायतों का निस्तारण कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नगरीय निकाय निदेशालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरे मामले को लेकर लगातार अफसर रात दिन मंथन में जुटे। आज फिर एक बार समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने आज हरदोई का जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है, वो भी जिला अध्यक्ष जिसको घोषित किया है वो हिस्ट्री सीटर का आरोपी है। यही नहीं, उस पर 28 मामले दर्ज है। जी हाँ, हरदोई में जो जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, वह वीरे यादव, उस पर 28 मुकदमे दर्ज हैं और हिस्ट्री सीटर भी खुली हुई है। यही नहीं, वीरे यादव हत्या जैसे जघन्य मामलों में आरोपी है। ऐसे में जिला अध्यक्ष घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने तंज कसा है। समाजवादी अपराधों की पार्टी है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तंज कसा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 के इनामी शाइस्ता परवीन की अब इनाम राशि 25 से बढ़ाकर 50 कर दी। जिस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हुई है प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में, शाइस्ता परवीन उस मुख्य कड़ी में शामिल हो गई हैं जिसमें ये शूटर शामिल थे। सूत्रों की माने तो प्रयागराज पुलिस का कहना है कि शाइस्ता परवीन की भी भूमिका उतनी ही है इस पूरे मामले में जितनी और शूटर्स की है। फिलहाल शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है उनकी धरपकड़ के लिए और पुलिस का दावा है कि जल्द ही शाइस्ता परवीन समेत और भी जो शूटर हैं वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और मैं तेज रफ्तार वाहन का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको पीछे एक गाड़ी दिखाना चाहेंगे जो कल नैनीताल से अपने घर देवरिया जा रही। लोग बता रहे हैं कि ये वहाँ पर जॉब कर रहे थे और देवरिया अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बलरामपुर के आगे बजाज चीनी मिल पर इनकी गाड़ी किसी अज्ञात वाहन के टक्कर में आ गई, जिससे इसमें मौजूद 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद रात का समय था तो स्थानीय लोग तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। पुलिस के जवान जब स्थानीय थाना पर सूचना दी तो वहाँ पर फोर्स आई, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इनके घर पर सूचना दे दी गई है। इनके घर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं भारत में एक बार फिर बढ़ते हुए कोरोना केसेस ने डरा कर रख दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 6155 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे देश की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 31,194 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस पर कंट्रोल पाया जा सके। इसी कड़ी में कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों और स्वास्थ्य के सचिवों के साथ एक बैठक की थी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य के सचिव राजेश भूषण के अलावा तमाम राज्यों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए अधिकारी और स्वास्थ्य से राज्य मंत्री मौजूद थे। इस दौरान ये तय किया गया कि 10 और 11 अप्रैल को आगामी मॉकड्रिल किया जाएगा और देखा जाएगा कि अभी उन राज्यों में क्या कुछ कोरोना की स्थिति है और खासतौर पे कोरोना से निपटने के लिए कितने बेड्स हैं, कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। अगर कहीं या किसी राज्य में ऑक्सीजन की व्यवस्था कम होती है या किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उसको सीधे तौर पे राज्य सरकार केंद्र सरकार को सूचित करेगी और केंद्र सरकार उस तरीके से व्यवस्थाएं बनाएगी। भारत उत्तर प्रदेश में कोरोना की दस्तक देते ही एक बार फिर कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है और दिन प्रतिदिन
जो एक्टिव केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 232 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। वहीं अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1074 केस हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि जो जितने भी स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है कि जितने भी कोरोना टेस्ट हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना की टेस्टिंग हो, इसके अलावा जितने भी OPD में बुखार और सर्दी जुकाम के मरीज हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। और ख़ास करके जो 3 लखनऊ की बात करी जाए, राजधानी की, तो 3 अस्पताल हैं, PGI है, लोक बंधु है, और ये 2-3 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कोरोना एक्टिव मरीज भर्ती कराए गए हैं। और एक्टिव केस में 3 ऐसे केस हैं जिनकी हालत गंभीर है और उनको भर्ती भी कराया गया है। हम लोग तो प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल जिस तरह से लगातार कोरोना लव से लोगों की दहशत लगातार बरकरार हो जाती है, जिसकी पिछले दिनों में जो कोरोना का हाल था उसके बाद हर कोई बदहाल था, फिलहाल कोरोना ने फिर दस्तक संभल में देनी शुरू करती है। अब तक 11 कोरोना केस निकल चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इधर DM मनीष बंसल ने लगातार बैठक की जा रही है जिला कलेक्ट्रेट पर, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करने के बाद निर्देश दिए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से संभल में कोरोना ने दस्तक दी है और जो 11 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जिसके बाद 11 और 12 तारीख को यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें कि उन लोगों डॉक्टरों को बताया जाएगा कि कोरोना से किस तरह से निगरानी रखनी है और क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं दी है। फिलहाल आपको बता दें कि जनपद संभल में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए गए हैं, उन लोगों को पूरी तरह से वहाँ पर बेड और वहाँ पर एक रूम और कमरे की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी कोरोना केस आता है तो उनको किस तरह से उनकी निगरानी रखनी है और क्या क्या उन लोगों को दवाएं मुहैया करानी है। आखिरकार 13 दिनों बाद आकांक्षा के परिजनों को राहत का बादल दिखा, और ये बादल आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। कल समर सिंह की गिरफ्तारी हुई और समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद से बनारस आज 3 बजे स्पेशल कोर्ट में उसे पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साफ सी बात है कि कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद उसे रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड के बाद पुलिस की पूछताछ की एक लंबी कार्रवाई को समर सिंह को गुजरना होगा, जिसमें पुलिस समर सिंह से उन दिनों की बात करेगा जिन दिनों जिन घटनाक्रम के तहत आकांक्षा ने सुसाइड की या हत्या किया गया। यही नहीं, परिजनों को ये भी उम्मीद है कि अब न्याय मिलने में बहुत थोड़े वक्त हैं। लेकिन दूसरी ओर तमाम आरोपों के साथ आकांक्षा के मां ने पुलिस पे एक आरोप ये भी लगा दी कि क्या PM की रिपोर्ट और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स उन्हें क्यों नहीं सौंपा गया, उन्हें सौंपा ही जाना चाहिए। अब देखने की बात होगी कि पुलिस रिमांड पे आज लेने के बाद कब तक पूरे मामले की खुलासा करती है। आखिर ससुराल पक्ष के 5 लोगों को विषाक्त पदार्थ खिला दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के थाना माधो टांडा क्षेत्र के गांव टांडा गुलाब राय से है, जहां सुशील कुमार नाम के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने 5 लोगों को विषाक्त पदार्थ खिलाया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब सुबह हुई तो जानकारी के आसपास के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इनके परिवार से कोई नहीं जागा, तो पड़ोसियों की मदद से उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधो टांडा ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें सुशील का विवाह थाना सेरामो उत्तरी क्षेत्र से हुआ था, तो आरती के साथ हुआ था, जिसकी 2 साल की बेटी भी है। वहीं देर रात आरती ने परिवार के लोगों को खाने में विषाक्त पदार्थ मिला के खिला दिया, जिससे सबके सब सोते रह गए। वहीं जब सुबह उनका ट्रीटमेंट होने के बाद सुशील की माता का स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ तो उन्होंने बताया, अपनी घटना को बयां किया। तो वहीं आरती, सारे लोग अस्वस्थ हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वहीं विषाक्त खिलाने के बाद आरती घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गई। ससुराल पक्ष के 5 लोगों को विषाक्त पदार्थ खिला दिया। हर वर्ष की बात है, इस बार भी आगरा जनपद के समसभा क्षेत्र के बांगुरी गांव में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो हर वर्ष की बात है इस वर्ष भी किया गया है। यहां माता के मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, साथ ही यहां पर ग्रामीणों द्वारा एक रशिया दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें धार्मिक सवाल जवाब एक दूसरे से कंपटीशन किया जाता है, जो कि सिलसिला सुबह तक लगातार बदस्तूर जारी रहता है, जिसमें जो भी व्यक्ति जीतता है उसको कमेटी की तरफ से इनाम देकर
पुरस्कारित भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर महिलाओं पुरुषों के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर है, जो यहाँ पर रसिया दंगल का लुत्फ उठा रहे हैं। और कहीं ना जो युवा पीढ़ी है, जो कि कहीं ना कहीं इन चीज से भटक रही है, उसको धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से और यह कंपटीशन समझाने का प्रयास किया जाता है कि नई पीढ़ी भी इसके लिए जाने, अपने इतिहास को जाने। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम आज भी गांव के देहातों में स्थापित कर लोग इसका एक अच्छा खासा उत्साह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर जहां सख्त हैं और कड़े निर्देश भी जारी कर रहे हैं, लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताज़ा मामला रायबरेली के शहर का है, जहां पर दर्जनों अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। यहां तक कि फिरोज गांधी ट्रस्ट जो शिक्षक के आवास बनने हैं, उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा हो गया, लेकिन जिले पर बैठा प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, जिस पे साफ लिखा हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली। यहाँ पर पल्लवी मिश्रा इस समय तक अभी तक अपॉइंट थी, जो आयुक्त बनकर अब रायबरेली से लखनऊ जा चुकी हैं, और उसके बाद भी रायबरेली में लगातार जमीन, तालाब और अवैध बिल्डिंग के लगातार शिकायतें आती हैं, लेकिन इस पर भी गंभीर नहीं है जिला प्रशासन। इस पर प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से जो कल मॉनिटरिंग हुई, उसमें IGRS में कई लापरवाही मिली, जिसको SDM सदर ने संज्ञान में लेते हुए कड़े निर्देश और फटकार जरूर लगाई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कितना गंभीर प्रशासन होता है। अमेठी में उस समय सनसनी फैल गई जब प्रेमी और प्रेमिका ने बंद कमरे में अपना गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास किया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राम सायपुर गांव का है, जहां पर देर शाम प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक कमरे में बंद होकर के और आत्महत्या करने का प्रयास किया। और वहीं जब परिजनों ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों लहूलुहान पड़े थे, जिसके बाद परिजन पुलिस को सूचना दिए और वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाए, जहां पर प्रेमिका की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने प्रेमिका की मौत की पुष्टि कर दी और वहीं प्रेमी को लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल इस वक्त लखनऊ ट्रामा सेंटर में प्रेमी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, और आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जाँच में क्या निकल कर। गाजीपुर के मदर थाना क्षेत्र के हमीरपुर बिजौरा का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मां ने अपने दोनों बच्चों को गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के दौरान एक बच्चा 7 साल का था, दूसरा बच्चा साल भर का था। बता दें, महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया। गाजीपुर के मदर थाना क्षेत्र के हमीरपुर बिजौरा का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मां ने अपने दोनों बच्चों को गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के दौरान एक बच्चा 7 साल का था, दूसरा बच्चा साल भर का था। महिला को पुलिस ने। झांसी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पूरा मामला आपको बता दें कि टोरी फतेहपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां ढुरबई में कुछ दिन पहले एक डकैती की वारदात को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान और जांच अभियान चला रही थी, जिसमें आज उन्हें सफलता मिली है। जिसमें आज वह चेकिंग के दौरान 4 जो बाइक सवार थे उनको रोका, जिसके बाद जो बाइक सवार थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के साथ ही वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें जो भागने वाले 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी है और एक बदमाश सुरक्षित बच गया। कुल मिलाकर 4 बदमाशों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और पकड़े गए बदमाशों से नगदी और सोना चांदी बरामद हुआ। देहरादून से चकराता जाते वक्त स्विफ्ट कार खाई में गिरी और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल कुल 4 लोग कार स्विफ्ट में सवार होकर चकराता की ओर जा रहे थे, जो कि गाजियाबाद के निवासी थे। मौत के कारणों का अभी पुलिस पता लगा रही है, परंतु प्रथम दृष्टया गाड़ी पर नियंत्रण खोना मौत की अहम वजह मानी जा रही है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है।
आगरा के थाना एतमादौला स्थित मंडी समिति के पास आज बस पलट गई। बस पलटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से गंभीर लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, ट्रैफिक विभाग और आरटीओ की मिलीभगत के चलते आगरा में तमाम अवैध डगीमार बस संचालित हो रही हैं और कई बार शिकायत करने के बाद अभी तक उनके खिलाफ कोई भी आरटीओ विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते सरकारी राजस्व को भी काफी नुकसान हो रहा है। आगरा में चार दिन पूर्व हुई छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र मलकपुर गांव का है, जहां पर चार दिन पूर्व एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। छात्र को गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी, जिसका शव उसी के गांव के भार रजवाहे में मिला था। हत्या उसके छोटे भाई वंश ने की है। वंश ने पुलिस को बताया है कि उसका भाई उसे बेवजह पीटता था और गंदी हरकतें करता था। वंश ने मुजफ्फरनगर के सुपारी शूटर भगत को 1.5 लाख रुपए देकर यह हत्या कराई गई है। पुलिस ने शूटर को और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। उनके पास से 2 तमंचे और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बागपत के एडिशनल SP ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में बीती रात गेहूं की खड़ी फसल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कई बीघा खेत राख की ढेर में तब्दील हो गए। आग की लपटें उठती देख किसानों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक कई बीघा फसल जल चुकी थी। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद किसानों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। खेती में आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल नुकसान के आधार पर प्रशासन द्वारा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गाँव में आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में रोशन मोहल्ले में एक किसान की फसल खेत में रखी थी, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के बाद में इसकी सूचना थाना खेरागढ़ और फायर विभाग को दी गई, जिसमें मौके पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। खेरागढ़ पुलिस और फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया, जिसमें 4 बीघा की फसल जलकर राख हुई किसान की। आगे देखते हैं कि इन कारणों में किस कारणों से आग लगी है। आगरा